तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कृष्णा इसके चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं YouTube वीडियो अपलोडिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि YouTube पे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है और कैसे आप अपनी वीडियो को सही तरीके से अपलोड कर सकते हो। अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तो आपको काफी ज्यादा ये चीज जाननी चाहिए, क्योंकि भाई जब भी एक नया चैनल ओपन करते हैं तो काफी ज्यादा व्यूज की प्रॉब्लम होती है, और अगर आप डायरेक्टली जाके यूट्यूब एप्लीकेशन से वीडियो को अपलोड कर देते हो तो वहाँ पे व्यूज काफी ज्यादा कम मिलते हैं और काफी ज्यादा दिक्कत होती है हमारे चैनल को ग्रो होने में। तो आज की इस वीडियो में आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका मैं आपको बताऊंगा। और गाइस ये सही तरीका जो है, मैंने खुद का मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल का, क्योंकि मेरा एक दूसरा चैनल है टेक्निकल एस के नाम से, उस पर भी मैं ऐसे करता था। मतलब कि मुझे अच्छा खासा अपने उस चैनल से लेके काफी अच्छा नॉलेज हो गया है, तो मुझे इतना पता है कि हाँ जो ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूँ उससे काफी ज्यादा आपको फर्क पड़ने वाला है। गाइस अगर आपको फर्क नहीं पड़े तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, बट 101% आपको ये ट्रिक्स कामयाब मतलब कि काम में आएगी और बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी जो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं गाइस। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए गाइस जब भी हम नए यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें बहुत सारी डिटेल्स पता नहीं होती है। अगर एक हम नए यूट्यूबर होते हैं ठीक है, तो उसमें हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और किस चीज के लिए? सिर्फ इस चीज के लिए कि हमारा चैनल ग्रो कैसा हुआ। तो वहीं पे हम एक गलती ये भी कर देते हैं कि हम डायरेक्टली अपने अच्छे से वीडियो बनाते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं, टाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा अच्छे से डाल देते हैं, और डायरेक्टली क्या करते हैं कि हम जाते हैं यूट्यूब एप्लीकेशन में, वहां पे जाके वीडियो को अपलोड कर देते हैं। तो वहां पे यही हम ये गलती करते हैं जिसके कारण हमारा चैनल काफी स्लो ग्रो होता है। मतलब कि व्यू तो आते हैं, बहुत कम आते हैं ठीक है। तो इस वजह से मतलब कि ये गलती हम करते हैं तो हमें ये दिक्कत होती है व्यूज की ठीक है। तो अब आपको सही तरीका क्या है वीडियो अपलोड करने का? तो गाइज देखिए, सही तरीका ये है कि गाइज सभी के एंड्रॉइड फोन में क्रोम ब्राउजर रहता है ठीक है। क्रोम ब्राउजर में जाइए, वहां पे अपने चैनल से लॉग इन हो जाना है ठीक है। चैनल से लॉग इन हो जाने के बाद में वहां पे ऊपर एक प्लस या वीडियो को अपलोड करने का ऑप्शन आता है। अगर आपको वीडियो अपलोड करना आता है क्रोम ब्राउजर से तो आप अपलोड करें क्रोम ब्राउजर से हमेशा से। और वहां पे क्या है और मैं आपको सारे फायदे बताऊंगा इसके, क्रोम ब्राउजर से अपलोड करें। और गाइस क्रोम ब्राउजर से अपलोड करना अगर आपको नहीं आता आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको काफी ज्यादा जल्दी है तो आप यूट्यूब पे काफी सारे वीडियो देख सकते हैं, मिल जाएंगी कि क्रोम ब्राउजर से वीडियो अपलोड कैसे करें। उससे फर्क क्या पड़ता है गाइज मैं आपको बता दूं, फर्क ये पड़ता है गाइज आपकी जो वीडियो काफी ज्यादा रैंकिंग करती है। मैंने खुद के चैनल पे खुद एक्सपीरियंस किया है कि मतलब कि जब भी मैं एप्लीकेशन से अपलोड करता था तो मुझे हमेशा 4 से 5 व्यूज मिलते थे जब नया चैनल था मेरा ठीक है। उसके बाद अगर मैंने 2-3 बार मैंने ट्राई किया कि क्रोम ब्राउजर से अपलोड करके ठीक है, तो गाइज वहां पे मेरे हमेशा 15-20-25 व्यूज आए। जितनी देर में वहां पे 10 से 12 व्यूज मिलते थे एप्लीकेशन से, मतलब उसका डबल हो जाता था। तो गाइज आपको यहाँ पे काफी ज्यादा चीज ये फर्क पड़ता है कि अगर आप एप्लीकेशन से करते हो ठीक है, अगर आप हमेशा क्रोम ब्राउजर से वीडियो अपलोड करते हो तो काफी अच्छे से आपका चैनल ग्रो करेगा और बहुत ही अच्छे से मतलब कि आगे बढ़ेगा गाइज। और ये चैनल ये जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ ये गाइज उन लोगों पर ज्यादा फर्क पड़ता है जो नए यूट्यूबर है, जिनके काफी सारे सब्सक्राइबर है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों उनके तो सब्सक्राइबर काफी होते हैं तो बहुत ही आसानी से वो अपनी वीडियो को कहीं से भी अपलोड करें व्यूज उनके आ ही जाते हैं। क्रोम ब्राउजर से क्या फायदा है कि गाइज देखिए हम पूरी वीडियो को एक साथ में मैनेज कर सकते हैं, थंबनेल वगैरह टेक्स्ट वगैरह सारे एक साथ डाल के तब उसको एक साथ सेट करते हैं ठीक है। अब गाइज हम एप्लीकेशन से करते हैं तो वहां पे हम देखिए अपलोड कर देंगे ठीक है, अपलोड कर देंगे, टाइटल डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, बट गाइज यार हम ना तो वहां पे थंबनेल लगा पाते हैं और ना ही टेक्स्ट डाल पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी वीडियो 2-3 हिस्सों में बढ़ जाती है मतलब कि अलग अलग, और हमारी वीडियो को रैंकिंग होने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइज अगर आप क्रोम ब्राउजर से अगर अपलोड करते हो और सारी चीजें एक साथ डाल के तब उसको सेव करते हो तो आपकी वीडियो 101% मतलब कि वायरल होने के चांसेस रहते हैं। वायरल तो नहीं कह सकते बट व्यूज काफी अच्छे आपको मिल जाएंगे पहले के मुताबिक। अगर आपको आपने ट्राई किया है तो आपको पता ही होगा कि हाँ इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो एक बार ट्राई करें, उसके बाद आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई की वीडियो फेक थी या फिर ऐसा वैसा, वीडियो के एकदम रियल है, ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस है। आपको अच्छे खासे व्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बस ऐसे ही आपको करना है हमेशा, जब तक आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर नहीं मिल जाते हैं, जब आपके अच्छे सब्सक्राइबर हो जाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है गाइज आप कहीं से भी अपलोड करें, बट स्टार्टिंग में अगर आपको अपना चैनल ग्रो करना है तब ये करना ही होगा।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।